नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ लेक्चर है स्प्रिंग्स पे, देखो लास्ट टाइम स्प्रिंग्स के अंदर हमने क्या सीखा था कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, और लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक मास लगा दिया और वो मास नीचे ऊपर जाके कभी ना कभी यहाँ पर रेस्ट पे आ गया, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। ऐसे किया और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर ये जो एक्सपेंशन हो जाएगी स्प्रिंग की वो कितनी हो जाएगी? एक्स नॉट हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि नीचे की फोर्स एम जी मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स के एक्स नॉट। तो रेस्ट पे अगर ये बॉडी है तो एम जी किसके इक्वल आएगा? के एक्स नॉट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की वैल्यू क्या जाएगी? एम जी बाई के। तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हमने लास्ट टाइम देखा, तो ये पॉइंट सबको क्लियर है। आज के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? स्प्रिंग्स मासलेस हैं, हम स्प्रिंग का मास पूरे चैप्टर में एंड तक डिस्कस नहीं करेंगे, स्प्रिंग का कोई मास नहीं लेंगे। SHM के अंदर एक एडवांस के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसमें पूरा साल हम स्प्रिंग मासलेस लेंगे, उस टॉपिक के अंदर एंड में बताएगा अगर मास लेना हो तो क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। तो उसमें मास जब लेना होता है DM, तो उसमें इंडिकेशन लगनी स्टार्ट हो जाएंगी स्प्रिंग में, बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, इस वजह से हम स्प्रिंग का मास कंसिडर नहीं करते। स्प्रिंग की एनर्जी तो होती है पर स्प्रिंग की एनर्जी में स्प्रिंग का मास मैटर नहीं करता। ठीक है यहां तक? तो मासलेस स्प्रिंग्स होंगे जितने भी हैं। नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि अगर सपोज करो ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है और ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी है? एक्स नॉट है। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? एम जी बाई के है, ये हमने निकाल ली। मैंने यहाँ से अगर इसको वी वेलोसिटी दी तो मैंने बताया था कि ये एकदम स्प्रिंग नीचे की तरफ आएगा मास एम, और मैंने बताया था कि एकदम क्योंकि अल्टीमेटली रुकेगा तो ऑब्वियसली यहीं पर, और क्योंकि हम एनर्जी तो लॉस लेते ही नहीं है तो कायदे से तो होना ये चाहिए कि एक बार आपने वी वेलोसिटी दे दी ना इससे तो ये नीचे आएगा, फिर काफ़ी ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे ऊपर इस पोजीशन के आसपास ये ऊपर नीचे मूव ही करता रहेगा और ये कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया इसलिए रुकेगा क्योंकि हम एनर्जी लॉसेस लेते नहीं। पर प्रैक्टिकली स्प्रिंग रुकते हैं क्योंकि हर ऑसिलेशन में हर मोमेंट में देर सम एनर्जी का लॉस, पर हम नहीं लेंगे हम कोई, और जो मोशन खत्म हो जाती है और अल्टीमेटली अगर मान लो ये रुक भी जाता है तो रुकेगा कहाँ पर? इक्विलिब्रियम पे ही रुकता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में रुकेगा नहीं, हमारे क्वेश्चन में तो टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। तो मैंने बताया था कि जब मूविंग स्प्रिंग है, जब मूव कर रहा हो किसी भी पॉइंट पर, तो वो जो क्वेश्चन है वो फोर्स की बजाय एनर्जी से करते हैं, और स्पेशली तब जब स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सपेंडेड है। मैंने बताया था कि अगर स्प्रिंग की मैक्सिमम एक्सपेंशन निकालनी है, मैक्सिमम का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग यहाँ पर आया था उसके बाद फिर ऊपर चला गया था एंड सो ऑन, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेशन को मैक्सिमम एक्सपेंशन या कंप्रेशन बोलते हैं। तो इस इंस्टेंट के ऊपर, बहुत छोटे इंस्टेंट के ऊपर ये रेस्ट पे आएगा और उसके बाद फिर ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, पर लेकिन फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट यहाँ पे रेस्ट पे आएगा। तो हम दो पोजीशन ले लेते हैं, एक फर्स्ट पोजीशन ये ले लेते हैं जिसमें टोटल एनर्जी निकालते हैं, और सेकेंड पोजीशन ये ले लेते हैं जिसमें टोटल एनर्जी निकालते हैं, और इन तीनों का सम क्या लेते हैं? सेम। यानी कि यहां पर अगर ये ग्राउंड लेवल है, मैंने बताया था अगर ये ग्राउंड लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या हो जाती है? एम जी इन टू, ये एक्स मैक्स है, ये एक्स नॉट है, तो ये कितने हैं? एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर हमने इसको दी है, अपने आप नहीं थी इसके पास, हाफ एम वी स्क्वायर, और स्प्रिंग इस पोजीशन पर एक्सपेंडेड है बाय एक्स नॉट, ये जो है अनस्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेचिंग है इसमें एक्स नॉट। तो स्प्रिंग की एनर्जी की जगह क्या आएगा? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, और यहां पर पोटेंशियल हो जाएगी जीरो, काइनेटिक हो जाएगी जीरो, स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। इन्हें इक्वेट करके हम एक्स मैक्स की वैल्यू को निकालते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में जब मैक्सिमम एक्सपेंशन का केस आएगा तो उसमें वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होती, मैक्सिमम एक्सपेंशन तो फॉर एन इंस्टेंट होती है, उसके बाद स्प्रिंग वापस चला जाता है। तो ऐसे केस में क्या लगता है? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है यहां तक? तो
सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये फेस करता है एक स्टूडेंट कि फोर्स से सॉल्व करूं कि एनर्जी से सॉल्व करूं, क्योंकि फोर्स में के एक्स फॉर्मूला हो जाता है, उसमें सारी फोर्सेस लेनी पड़ती हैं और हाफ के एक्स स्क्वायर में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि फोर्स की प्रॉब्लम है या एनर्जी की प्रॉब्लम है। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर जो स्प्रिंग के साथ मास अटैच्ड है वो हमेशा के लिए उसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है और वो टू एंड फ्रो मूव नहीं कर रहा, यानी कि वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, फिर तो मैं क्वेश्चन किससे करूंगा, फोर्स से। या फिर कोई मुझसे ये पूछ ले कि ये ब्लॉक ऊपर कितनी फोर्स से एक्सेलरेट करेगा, मतलब मेरे को कोई ये पूछ ले कि ठीक है इसके बाद ये ऊपर भी तो जाएगा, तो ऊपर कौन लेके जाएगा इसे, ये फोर्स लेके जाएगी, नीचे की फोर्स कितनी है एम जी, कोई ये पूछे कि एक्सेलरेशन बताओ इसके ऊपर जाने की कितनी है, फिर भी मैं फोर्स लगाऊंगा क्योंकि ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज मास इनटू, तो वहां से एक्सेलरेशन आएगी। हाँ, उस केस में एक्सेलरेशन लगाऊं फोर्स लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझसे कोई एक्स मैक्स पूछे, मैक्सिमम एक्सप्रेशन पूछे, एक्सपेंशन पूछे, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो आज का लेक्चर सिर्फ यही डिस्कस करेगा कि फोर्स कब लगेगी और एनर्जी कंजर्वेशन कब लगेगी, दैट्स इट। तो मैं आपको नई नई प्रॉब्लम देता जाऊंगा, आप खुद अपने जो है दिमाग से सोचना और अपने आप ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा, और कुछ बताने वाला नहीं है इसमें। अगर आप ये कहो कि नया फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं, बस यही स्प्रिंग्स हैं, इसी की प्रैक्टिस है। तो करें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं, एंड क्वेश्चन इज कि लेट अस सपोज, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सपोज देयर इज अ स्प्रिंग, और ये इसकी नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ का मतलब ना ये कंप्रेस्ड है ना ये एक्सपेंडेड है, बस इतना ही है। और मैंने यहां पर मास m लगाया एंड मैंने इसे घुमाना शुरू कर दिया विद ओमेगा, स्टार्टेड विद ओमेगा। नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की l नॉट है, और जब मैंने इसे घुमाया विद अ कॉन्स्टेंट ओमेगा तो स्प्रिंग एक्सपैंड कर गया बाय x, ठीक। तो वेयर x इज द एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, तो x इज द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है यहां तक। तो स्प्रिंग एक्सपैंड कर गया, ठीक। अब सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं ओमेगा को इंक्रीज करता जाऊं तो ऑब्वियसली स्प्रिंग और एक्सपैंड 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 होता जाएगा। मैं ओमेगा को डिक्रीज करता जाऊं तो ये स्प्रिंग उतना ही छोटा होता जाएगा, और अगर मैं घुमाना बंद कर दूंगा तो अल्टीमेटली यहीं आ जाएगा, ऐसे ही होगा। पहला क्वेश्चन, स्प्रिंग एक्सपैंड हो क्यों रहा है, मास बाहर की तरफ क्यों जा रहा है, इसके ऊपर क्या लगेगी फोर्स। फोर्स का नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिल्कुल सही, क्योंकि स्प्रिंग को तो मैं घुमा रहा हूं, स्प्रिंग को मैंने क्या दी, सेंट्रीपिटल, पर स्प्रिंग के साथ जो भी चीजें अटैच्ड हैं वो बाहर चली जाएंगी, या स्प्रिंग क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो वो मास बाहर जाने की कोशिश करेगा, और कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल। और कितनी लगेगी इस इंस्टेंट पर सेंट्रीफ्यूगल, उसकी वैल्यू क्या होगी, एम बाहर की तरफ, एम रेडियस कितना है इसका, नेचुरल लेंथ कितनी थी एल नॉट, और ये कितना है एक्स, एल नॉट प्लस एक्स इंटू ओमेगा का स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये राइट की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल, टोटल रेडियस एक्सिस से इतना ही है, ऐसे ऐसे, तो रेडियस यही हो गया ना, यहां से यहां तक एक्सिस है इसका रोटेशन का, मतलब पूरा सर्कल ऐसे बनेगा इसका, हाँ स्ट्रेच स्ट्रिंग में लगा रहे हैं, अनस्ट्रेच में तो फोर्स ही नहीं, स्प्रिंग के पड़ा ही है, पड़े रहे हैं दो टेबल पे,
स्ट्रेच हो गया, वो घूमते घूमते वो इतना स्ट्रेच हो चुका है। अब मैं ओमेगा को चेंज नहीं कर रहा, इसलिए उसकी स्ट्रेचिंग बस कांस्टेंट है, यानी कि वो एक्सपैंड जितना होना था वो हो गया एक्स, वो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वो कितने रेडियस में घूमता जा रहा है, एल नॉट प्लस एक्स रेडियस में घूमता जा रहा है। ठीक है यहां तक? सेंट्रिपिटल उसे भी कर सकते हैं, ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सोच है। देखो सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल तो नाम है, आप ये कहना चाहते हो कि मास तो सर्कल में घूम रहा है, सेंट्रिपिटल होनी चाहिए। हम बोल सकते हो सेंट्रिपिटल होनी चाहिए, नहीं ऐसा है ना, फिर आप ये बोलोगे ना कि ये स्ट्रेच स्ट्रिंग ही दिया आपको मैंने, स्ट्रेच स्ट्रिंग दे दिया और वो सर्कल में घूम रहा है, लेकिन फिर इनिशियल सिचुएशन से नहीं बता पाऊंगा। स्ट्रेचिंग के लिए तो सेंट्रिफ्यूगल ही वर्ड यूज करना पड़ेगा मुझे। बाहर की तरफ फोर्स कौन लेके, बाहर की तरफ फोर्स सेंट्रिफ्यूगल ही होती है ना, एक्सपेंशन तो तभी हुई ना। तो स्प्रिंग पे लग रही है ना, स्प्रिंग तो मास एक्सटर्नल हो गया ना स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग अगर कार है तो मास उसके ऊपर समान पड़ा हुआ है कुछ ऐसा, स्प्रिंग को सेंट्रिपेटल तो बाहर की तरफ सेंट्रिफ्यूगल। अच्छा चलो ऐसे समझ लो, सेंट्रिफ्यूगल बाहर की तरफ है दो मिनट, और स्प्रिंग की फोर्स क्या चाहेगी, स्प्रिंग की फोर्स चाहेगी कि स्प्रिंग वापस आ जाए ओरिजिनल पोजीशन पर। तो स्प्रिंग की फोर्स इज द एक्सपेंशन, तो स्प्रिंग की फोर्स अंदर की तरफ होगी कितनी, केएक्स। तो ऑब्वियसली है कि अगर अंदर की फोर्स केएक्स है तो कोई बाहर की फोर्स किसी ने तो लगाई होगी, और वो क्या होगी, सेंट्रिफ्यूगल ही होगी ना, और तो कोई हो नहीं सकती। वो मैं बताऊंगा, रुको एक मिनट, यहां तक क्लियर है? दो फोर्सेस आ गई। अब देखो अगर तो सपोज करो ये स्प्रिंग इधर गया और फिर इधर से आता हुआ टू एंड फ्रो मूव करता है, एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सपेंशन, फिर तो एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। अब ये तो उसी रेडियस में घूमता जा रहा है, एम मास इतने रेडियस में घूमता जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि जो एक्सपेंशन होनी थी वो तो हो गई। अब वो इतने रेडियस में घूमता जा रहा है, यानी कि एम मास इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम समझते हो, घूमने के इक्विलिब्रियम में, कि ना तो ये अंदर आ रहा है ना ही अब ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसका रेडियस फिक्स हो गया है। ऐसा तभी हो सकता है जब इनसाइड की फोर्स के एक्स मस्ट बी इक्वल टू आउटसाइड की फोर्स, जो कि किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। और क्वेश्चन में आपको इसमें या तो एक्स पूछेगा या ओमेगा पूछेगा, जो भी न्यूमेरिकल आएगा, जो पूछेगा वहां से निकाल लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैं इक्वेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूं कि कौन सी इक्वेशन कब लगेगी, ये समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ये अपने पोजीशन चेंज करता, स्प्रिंग अगर कंप्रेस होता, फिर मैं दो पोजीशन बनाता है, एक इनिशियल और एक फाइनल, और मैं क्या लगाता, एनर्जी कंजर्वेशन। दो पोजीशन ही एक है, वो उतने रेडियस में घूमता जा रहा है, यानी कि उसका रेडियस ना छोटा ना बड़ा हो रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इनसाइड की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू आउटसाइड की फोर्स। तो इक्वेट करके हम यहां से ओमेगा या एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन होगा, जो भी होगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो आज के बाद अगर स्प्रिंग सर्कल में घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू स्प्रिंग की फोर्स, और वहां से जो भी निकालना होगा निकाल लेना। ओमेगा कांस्टेंट है, हाँ, अगर ओमेगा मैंने ज्यादा कर दिया एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगी, ओमेगा और ज्यादा कर दिया एक्सपेंशन और ज्यादा हो जाएगी। एक ऐसी स्टेज आएगी या तो स्प्रिंग आपके हाथ से छूट जाएगा या टूट जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, फिर आर इज एल प्लस एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, लेट अस सपोज दिस इज द इनिशियल अनस्ट्रेच नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये रेडियस आर है किसका, तो
इनिशियल लेंथ या नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इस क्वेश्चन में इज 2πr/4, टोटल रेडियस 2πr का होगा और हमने 1/4 लेंथ ऑफ द स्प्रिंग लिया। हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग को, यहां से ये फिक्स्ड है, इस स्प्रिंग को पकड़ा और एक्सपैंड कर दिया यहां तक, यानी कि जो फाइनल लेंथ है स्प्रिंग की वो कितनी है, 2πr/3/4, ये 3/4 लेंथ हो गई ना, टोटल लेंथ r है तो ये 3/4 ऑफ r है, तो ये लेंथ आ जाएगी। ठीक, तो ये बताओ कि व्हाट इज द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। एक्सपेंशन इन स्प्रिंग के लिए दोनों को माइनस कर लें, 3/4 × 2πr − 1/4 × 2πr एक्सपेंशन हो गई। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन। पहले इनिशियल लेंथ निकालो, फाइनल लेंथ निकालो, दोनों लेंथ को माइनस करो तो एक्सपेंशन आ गई। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि स्प्रिंग को खींचने में मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन। जब भी आप नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को खींचोगे आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। बोलो कैसे करेंगे, बोलो क्या लिखूं आगे, इज इक्वल टू क्या, फाइनल माइनस, बोलो फाइनल कितनी है, एनर्जी की बात हो रही है पहले, फाइन आपने बोला चेंज इन एनर्जी बोला कुछ, वर्क डन एक्सपेंशन के इक्वल थोड़ी ना होगी, वर्क डन तो एनर्जी के इक्वल ही होगी, कोई काम नहीं करना पड़ा, स्प्रिंग अपने आप एक्सपेंड हो गया। ये लो फिर एक स्प्रिंग देता हूँ आपको निकाल के बड़ा सा, उसको कहूँगा खींच दो, खींचने में आप कहाँ सेम है, सेम कहाँ है, स्प्रिंग पहले छोटा स्प्रिंग बड़ा हो गया तो स्प्रिंग की एनर्जी तो हुई, इंक्रीज हो गई ना, तो जीरो कैसे हुई, और काइनेटिक तो हुई नहीं, वो पहले भी रेस्ट पे था, वो बाद में पकड़ के रख लिया रेस्ट पे है, तो काइनेटिक की तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, वो तो सेंटीमीटर में जवानी आ गई। बोलो 2r का क्यों माइनस करके, x का स्क्वायर बोल रहे हो, नहीं इसमें आंसर आएगा ½ × k ✕ एक्सपेंशन का स्क्वायर। जो भी देखो, फाइनल स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल स्प्रिंग की एनर्जी कितनी थी, जीरो, वो तो अपने नेचुरल लेंथ पे था, पोटेंशियल चेंज नहीं हुई, काइनेटिक चेंज नहीं हुई, और ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा हुआ है, प्लीज वर्टिकल में नहीं है, कहीं मत कहना कि mgr भी हो गई, ये हॉरिजॉन्टल है पूरा अरेंजमेंट। तो इसमें काइनेटिक चेंज नहीं हुई, पोटेंशियल चेंज नहीं हुई, स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ गई, जितनी स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ी किसने बढ़ाई, आपने उसको वर्क डन करके बढ़ाई, तो आपका वर्क डन स्टोर हो जाएगा स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एनर्जी। तो एक्स की वैल्यू को यहां से यहां पुट कर देंगे, आंसर आएगा। ये कह रहा है कि सर आपने ये ठीक नहीं किया, आपने इसमें फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी की, ये कह रहा है कि स्प्रिंग की एनर्जी इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो आपको ऐसे करना चाहिए था, ये डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल का कंसिडर करना चाहिए था। ठीक, देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कंजर्वेटिव है, बिल्कुल ठीक है, स्प्रिंग की फोर्स भी कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग की फोर्स कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है
कि जब हम वर्क डन्स कैलकुलेट करते हैं, जब हम वर्क डन्स कैलकुलेट करते हैं तो हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट का वर्क डन्स या एनर्जीज को माइनस करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम जब वर्क डन्स कैलकुलेट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में, तो वो डिपेंड करता है कि सिस्टम की इनिशियल एनर्जी क्या थी, सिस्टम की फाइनल एनर्जी क्या थी। पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो मैंने भी वही लगाया, मैंने सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकाल ली जीरो, सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकाल ली हाफ के एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट से नहीं कैलकुलेशन करना। जैसे अगर मैं एनर्जी ग्रेविटी की समझाऊं, ग्रेविटी की फोर्स भी कंजर्वेटिव थी, तो ये ऐसे सोच रहे हैं कि आपने एच हाइट ली थी तो आप एच हाइट ले रहे हो, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट करो। वो तो मैं प्रूफ करवा रहा था उसका एम जी एच से। अदरवाइज अगर आप मुझसे ये पूछो कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे जीरो है और आप उसे उठा के एच हाइट ऊपर ले आते हो, एच हाइट नहीं भी लेके आते तो मान लो किसी हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल हो जाती है। तो अगर मैं उसी हाइट पे किसी और तरीके से एक ऑब्जेक्ट को लेके आता हूं तो चेंज इन एनर्जी विल रिमेन सेम। ये कंजर्वेटिव है। हाइट तो जस्ट एक एग्जाम्पल था कि ताकि मैं आपको एम जी एच का फॉर्मूला बता सकूं। अदरवाइज आपने कंजर्वेटिव सिस्टम में इनिशियल और फाइनल पॉइंट की एनर्जी देखनी है, वो एनर्जीज किस पाथ से कैलकुलेट हुई वो नहीं देखना। पाथ समझते हो, सर्कल की फॉर्म में स्प्रिंग को घुमाया या ऐसे करके घुमा दिया या टेढ़ा मेढ़ करके घुमा दिया वो नहीं देखना। बस आपने ये पूछना है कि सर ये बताओ कि स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हो चुका है, वो सर्कल में एक्सपैंड हुआ, वो रेक्टेंगल की फॉर्म में एक्सपैंड कर दिया आपने या सीधा कर दिया, उस वो नहीं पूछूंगा। बस ये पूछूंगा कि नई लेंथ कितनी है स्प्रिंग की और पुरानी लेंथ कितनी है, और माइनस करके एक्सपेंशन निकाल दूंगा। ये कंजर्वेटिव है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो कोई ये ना कहे कि वो सर्कल में घूम रहा है तो उसकी एक्सपेंशन चेंज हो जाएगी। कंजर्वेटिव सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी घुमा लो, बस ये बता दो कि एक्सपेंशन कितनी है और फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या स्प्रिंग की एनर्जी को माइनस करोगे अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा? तो जब भी स्प्रिंग को आपने एक्सपैंड या कंप्रेस करना है और वर्क डन निकालना है तो आप स्प्रिंग की एनर्जी का डिफरेंस निकाल दो, वही आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। स्प्रिंग को खींचने में कितना काम करना पड़ा, मान लो एक स्प्रिंग है, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो एक स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ पे है, आपने इसे खींच दिया, कितना खींच दिया बाय एक्स एक्स, तो आपने कितना वर्क डन किया, हमने डेरिवेशन की थी, वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया था, हाफ, तो यही वर्क डन तो था। और मैंने बताया था ये वर्क डन स्टोर हो जाता है स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी। तो स्प्रिंग एनर्जी भी कैसे कैलकुलेट हुई थी, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, वर्क डन। तो वर्क डन में एक्स एक्सपेंशन थी, तो आज के बाद अगर स्प्रिंग को आपने एक्स खींच दिया तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब वो एक्स वेरी करेगा कि किस प्रॉब्लम में क्या एक्स दे रहा है, इसने सर्कल में घुमा दिया, कोई स्ट्रेट घुमा देगा, तो एक्स निकालोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर में पुट करोगे, वर्क डन आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं फिर। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर सपोज आपके पास ये एक बॉल है, एम मास है, इसको ड्रॉप किया आपने, नीचे एक ट्रे है और एक स्प्रिंग लगा हुआ है। जो ट्रे है वो मासलेस है, जो ट्रे है वो मासलेस है, बॉल इसके ऊपर आएगी और इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगी और चिपक जाएगी, और क्योंकि आपने इसको ड्रॉप किया है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें ट्रे थोड़ी नीचे आ जाएगी, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसका सेकंड डायग्राम ये बनेगा।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर मान लो एक स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें के है, और सपोज ये ट्रे ऑब्वियसली नीचे आ गई है, ट्रे कितना नीचे आ गई बाय एक्स, तो इस केस में मान लो एक्स कंप्रेशन हो गया नीचे की तरफ एक्स मैक्स, स्प्रिंग पूरी तरह कंप्रेस हो गया एक बारी तो बाय एक्स मैक्स, उसके बाद नो डाउट स्प्रिंग ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा स्प्रिंग, तो पहले एक्स मैक्स नीचे आया तो दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। एक बार तो मतलब देखो ना, एक बार तो जब बॉल हिट करेगी तो ट्रे को बहुत नीचे ले आएगी, फिर वो ऊपर आएगा नीचे करके किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, तो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन कि बॉल और ट्रे रेस्ट पे आ चुके हैं, मान लो कुछ देर के बाद बॉल एंड ट्रे रेस्ट पे आ चुके हैं, यानी कि कौन सी पोजीशन पे आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुके हैं। मान लो किसी इंस्टेंट में ये ट्रे पहले यहां पर थी और कितना डिस्टेंस नीचे आ चुकी है x नॉट, और यहां पर ट्रे किस पे आ चुकी है एट रेस्ट, तो ये कंप्रेशन जो होगा स्प्रिंग में, जो स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, तो यानी कि ये कौन सी पोजीशन होगी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का तो कॉन्सेप्ट ही एक है, फोर्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर निकालनी है तो आपने क्या बोलना है कि बॉल की नीचे की फोर्स और स्प्रिंग की ऊपर की फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा एग्जैक्टली सेम, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यहां से आ जाएगी mg डिवाइडेड बाय कितना के, बात खत्म होगी। लेकिन ये पोजीशन उस पोजीशन से डिफरेंट है, प्लीज। ये कौन सी पोजीशन है जब एक बार बहुत नीचे जा चुका है, और ये कौन सी पोजीशन है जब नीचे ऊपर जाके वो रेस्ट पे आ चुका है। दूसरे बैच में एक तो स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ नहीं रहा था कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये नीचे जा चुका है ऊपर आ चुका है वो रेस्ट पे है, नीचे वाला वो इनिशियल सिचुएशन है वो फाइनल है। ओके, मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा है और नीचे गद्दा रखा हुआ है, स्प्रिंग्स है उसमें बहुत बड़े बड़े, इतना बड़ा है जैसे वो मिक्की माउस भी जंप करते हैं, स्प्रिंग लगे हुए हैं। एक छोटे बच्चे ने शेल्फ से जंप किया गद्दे के ऊपर, अब क्या हुआ वो एक बार तो काफी नीचे चला गया, अब वो आराम से बैठ गया बच्चा। पहली बार तो उसने पूरी जान लगा के जंप किया था, यानी कि जो एक्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद तो आराम से बैठा है वो। अब सेकंड टाइम जो एक्स होगा वो उतना नहीं होगा, कम होगा, बैठा है ना, तो कभी ना कभी वो रेस्ट पे आ जाएगा। जब वो रेस्ट पे आ गया तो स्प्रिंग दबा होगा उसके वेट की वजह से, तो जब वो आराम से बैठ गया और स्प्रिंग मूव नहीं कर रहा, वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार जब उसने पहली बार जंप किया वो सबसे ज्यादा उसका एक्स मैक्स आएगा, लेकिन उसके बाद तो उसने जंप ही नहीं किया, उसके बाद तो बैठा है वो। शेल्फ से जंप करना और वैसे ही बैठ जाने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जब वो जंप करता है फिर तो एक्स बहुत ज्यादा दबा देगा, स्प्रिंग को बहुत ज्यादा नीचे तक ले जाएगा, फिर तो वो बैठ ही गया, उसके बाद वो थोड़ा कम डिस्प्लेसमेंट करेगा और वो रेस्ट पे आ जाएगा। इमेजिन कर रहे हो? लेकिन स्प्रिंग अभी भी दबा होगा क्योंकि वो बच्चा उसके ऊपर बैठा है। तो अब जब वो बैठा हुआ है तो उसका वेट इज इक्वल टू के एक्स नॉट, तो ये वो बॉल नहीं है, वो बच्चा है ट्रे के ऊपर बैठा है, तो वो आके रुक गया है कभी ना कभी, तो कौन सी पोजीशन आ गई? इक्विलिब्रियम आ गई। लेकिन जब पहली बार उसने जंप किया था वो देखो ऊपर से, और कितनी ऊपर से जंप किया बाय हाइट h, जंप किया तो h हाइट से जब जंप किया, h हाइट से जंप किया, तो अब इस केस में स्प्रिंग कितना एक्सपैंड नीचे कंप्रेस हो चुका है बाय x मैक्स, ठीक है। फॉर एन इंस्टेंट यहां पर वो क्या आया? एट रेस्ट आया, एक इंस्टेंट पे रेस्ट पे आएगा स्प्रिंग, जब पूरी तरह दब जाएगा उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे आएगा, फिर स्प्रिंग ऊपर उठ जाएगा, वो ऊपर बाद में उठेगा पर एक बार तो फॉर एन इंस्टेंट रेस्ट पे आएगा। तो जब भी मुझे एक्स मैक्स निकालना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, हम क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एनर्जी कंजर्वेशन किन दो पॉइंट्स में लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे जब बॉल यहां पर थी और स्प्रिंग यहां पर था, इनिशियल पोजीशन, और सेकंड जब बॉल यहां पर आ चुकी है और स्प्रिंग दब चुका है, ये आपकी सेकंड सिचुएशन। दो सिचुएशन देख रहे हो, पहली सिचुएशन जब बॉल को
को ड्रॉप करना था और स्प्रिंग कंप्रेस नहीं था, और दूसरी सिचुएशन बॉल बिल्कुल उसको कंप्रेस कर चुकी है, इन दो सिचुएशन में क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे? इस सिचुएशन में सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एंड स्प्रिंग एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, इस सिचुएशन पे पोटेंशियल काइनेटिक एंड स्प्रिंग एनर्जी इनका सम क्या रहेगा? सेम। मैं लगा के दिखाता हूं अभी, यानी टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल रिमेन सेम। ठीक, करें। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रही है तो आपको ग्राउंड लेवल लेना पड़ेगा। ग्राउंड आपकी इच्छा है, आप ये ले लो ग्राउंड, आप ये ले लो ग्राउंड, आप ये ले लो या आप ये ले लो, जो मर्जी ले लो। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जहाँ मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है वही मेरा ग्राउंड है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया था कंप्रेशन पे, तो मैं ग्राउंड ये लेना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, मैं इसके साथ भी करके दिखा दूंगा। मान लो मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर ये मेरा ग्राउंड लेवल है, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, अब वैल्यूज बोल रहा हूँ, इसको ग्राउंड मानते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉल आएगी तो यहां पे ट्रे के साथ यहां रुक जाएगी, इसको ग्राउंड मानते हुए बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है टोटल? इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसको ग्राउंड मानते हुए, तो आप क्या बोलोगे? एम जी इन टू एच प्लस एक्स मैक्स। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि जब बॉल हवा में थी और यहां पर नहीं थी तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? एम जी इन टू एच प्लस एक्स मैक्स। ये पॉइंट क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बॉल की? जीरो। ड्रॉप किया मैंने, ड्रॉप का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ट्रे की तो वैसे ही रेस्ट पे था, जीरो। स्प्रिंग एनर्जी कितनी थी? जीरो। जब बॉल हवा में थी तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड नहीं था, ये आ गया। अब जब इसने इसको कंप्रेस कर दिया तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बॉल की? ग्राउंड तक आ गई बॉल। काइनेटिक एनर्जी भी फॉरन इंस्टेंट क्या हो जाएगी? जीरो। सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा फॉर एन इंस्टेंट। स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, और एनर्जी कंजर्वेशन स्टेट्स दैट एम जी एच प्लस एक्स मैक्स मस्ट बी इक्वल टू हाफ इनटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो यहां से क्वेश्चन आएगा एक्स मैक्स निकालने का, ऐसे होएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ा हमने, वो यही था। शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट ये है, बॉल यहां से यहां तक आई तो बॉल ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर ली, कितनी? एम जी इंटू एच प्लस एक्स मैक्स, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करके स्प्रिंग की एनर्जी को बढ़ा दिया, कितना? हाफ के एक्स मैक्स का, सीधा लिख सकते थे। फिर से, बॉल के पास 10 जूल की एनर्जी है, 10 जूल की एनर्जी खत्म, पोटेंशियल जीरो, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो स्प्रिंग के पास 10 जूल चली जाएगी, यानी कि बॉल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन स्प्रिंग की एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब पता है क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना। पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्प्रिंग एनर्जी में। तो सीधा लिखना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कुछ आइडिया पता लग रहा है कि कैसे आपको इमेजिन करना है पूरे सिस्टम को? तो पहले बॉल को यहीं पर रखना है, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल जहां तक आके रुकेगी एम जी इंटू एच प्लस एक्स मैक्स, और स्प्रिंग तो अनकंप्रेस था। फिर यहां पर जब रुक जाएगी बॉल तो पोटेंशियल जीरो और स्प्रिंग की एनर्जी हाफ की एक्स मैक्स स्क्वायर और काइनेटिक जीरो, इक्वेट कर देना। अगर कोई ये कहता है मैं ग्राउंड ये लूंगा तो ठीक है, फिर यहां भी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बोल देगा, यहां पर भी एम जी एच बोल देगा, तो एम जी एच आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ग्राउंड लेवल से फर्क तो पड़ता नहीं। बट समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो आज के बाद अगर ट्रे के ऊपर एक बॉल गिरेगी तो ट्रे नीचे तक आएगी, तो आपने सिंपल लगाना है पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज है, वो सारा का सारा स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट इसमें? चलो हम किसी और एग्जांपल में लगा के देखते हैं। ठीक, हाँ सर,
ये लो, सपोज करो जैसे सपोज नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज ये सिचुएशन है, ये एक मास है 4.9 मीटर हाइट पे है और मास की वैल्यू 1 केजी है, यहाँ से नीचे आ रहा है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, नेचुरल लेंथ पे है, कोई कंप्रेशन नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर है, ये ब्लॉक आएगा, फ्रिक्शन नहीं है, इसको कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करके पूरी तरह दबा देगा, आपको निकालना है एक्स मैक्स कितना होगा, कितना जो है कंप्रेशन इसमें ज्यादा से ज्यादा होगा, एक्स मैक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स मैक्स देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन फोर्स से सॉल्व हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम का मतलब तो एक बार तो दबा देगा, फिर स्प्रिंग में तो खुल जाएगा ना, तो यानी कि परमानेंटली तो दबा के रखेगा नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन ही अटेन करेगा। होगा क्या, एक बार आएगा, दबाएगा और फिर स्प्रिंग खुल जाएगा और वापस इसको उठा के बाहर फेंक देगा और ये ब्लॉक फिर ऊपर चढ़ जाएगा बाय 4.9, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ना सेम पोटेंशियल में, पोटेंशियल एक बार स्प्रिंग में, स्प्रिंग एक बार पोटेंशियल में, तो एनर्जी लॉस नहीं है, ब्लॉक वहीं चला जाएगा, पर एक बार तो पूरी तरह दबा देगा, तो एक्स मैक्स निकालना है। एनर्जी लॉस अभी आएगा तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, MGH जो भी होगी एनर्जी उसमें से लॉस माइनस करके स्प्रिंग को देना पड़ेगा, बताऊंगा अभी देखता हूं। तो इसमें जब ये ब्लॉक यहां पे था, ये फर्स्ट सिचुएशन है, जब ब्लॉक ने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, सेकंड सिचुएशन है। तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है ये आफ्टर कंप्रेशन है, आफ्टर कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, और ये बिफोर कंप्रेशन है, ठीक। तो बिफोर और आफ्टर पूरे सिस्टम की एनर्जी विल रिमेन सेम। तो बोलो इनिशियली जब ब्लॉक यहां पे था पोटेंशियल कितनी है, एम जी एच 4.9 ऑब्वियसली, ठीक। काइनेटिक बोलो कितनी है क्योंकि सिस्टम रेस्ट से चला। स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, जीरो, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग उस टाइम कंप्रेस्ड नहीं था, नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो जब मास यहां से हटके इसको पूरी तरह कंप्रेस कर देगा भाई एक्स मैक्स, अब बोलो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उस इंस्टेंट पर और स्प्रिंग की एनर्जी हाफ, क्या है पॉइंट, क्लियर है, इक्वेट कर लो आंसर। शॉर्टकट ये है, पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग एनर्जी में। सीधा लगा रहे हैं तो सीधा भी लग सकते हैं, सीधा भी कर सकते हो, बट समझ में आ रहा है कि करना कैसे है। तो टोटल एनर्जी बिफोर चलने से पहले और कंप्रेस करने के बाद विल रिमेन सेम, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब जैसे सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है और ये एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे है, ये हाइट 4.9 मीटर है, ब्लॉक है m इज इक्वल टू 1 केजी, अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट फिर से 10, सब कुछ सेम है बट डायग्राम ही फर्क है। तो आपको बताना है एक्स मैक्स कितना होगा, कितना ज्यादा इसे ये कंप्रेस कर देगा जब ये ब्लॉक नीचे आएगा। आंसर कितने लोग बोलते हैं कि सेम ही क्वेश्चन है, सेम आएगा, ठीक बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी वेक्टर तो है नहीं कि जिसके अंदर आप इसमें कोई कंपोनेंट्स ड्रॉ करोगे, स्केलर है। कैसे, जब ये ब्लॉक यहां पर था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg into 4.9 है, काइनेटिक और सब कुछ जीरो है, स्प्रिंग एनर्जी उस टाइम सेम, पुराना क्वेश्चन है। जब इसे कंप्रेस कर देगा, ठीक है कंप्रेशन इस तरफ होगी, क्या फर्क पड़ता है, तो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग एनर्जी में। तो आंसर विल बी सेम। समझ में आ रहा है यहां तक।
तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग की एनर्जी में। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, फाइंड इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन, कभी ना कभी जो मास एम है वो यहां पर रुक जाएगा आके, जब रुकेगा तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो बोलो इक्वेशंस क्या लगेंगी, एनर्जी की फोर्स, फोर्स इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम तो फोर्स से है, फोर्स में क्या यूज करते हैं, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बोलो इक्वेशन। जब ये ब्लॉक नीचे इसको दबाएगा तो कौन सी फोर्स इसको नीचे दबा रही है, एम जी साइन थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे को थीटा भी देना पड़ेगा, एम जी साइन थीटा, और स्प्रिंग इसको वापस की तरफ फोर्स लगा रहा है कितना, के, स्प्रिंग की फोर्स तो के एक्स नॉट होगी ना, तो एम जी साइन थीटा से दबा रहा है ब्लॉक और के एक्स नॉट इसे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, पर नेट फोर्स जीरो का मतलब नीचे ऊपर की फोर्स शुड बी सेम। तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी, एक्स नॉट एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय के, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस कैसे निकलेंगी इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक। फिर एक एक लाइन का क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर दो, पुली और ये स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ है, ये मास एम, मास एम, मास एम। तो अब इस केस में आपको क्या करना है कि आपने इसको रिलीज, अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अनस्ट्रेच्ड है, आपने इसको रिलीज कर दिया, रिलीज करके ये मास कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और एक बार तो काफी नीचे आ जाएगा, एक्स मैक्स झटका लगेगा ना एकदम, ये ऊपर जाएगा, फिर ये मास ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगा, पर एक बार जब नीचे चला गया भाई एक्स मैक्स, फाइंड एक्स मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्प्रिंग की एक्सपेंशन क्या होगी। देखो एक्स मैक्स है ना, क्वेश्चन फोर्स से तो नहीं हो सकता, एनर्जी से होगा। तो जब ये ब्लॉक ऊपर था और जब ये ब्लॉक नीचे आ गया तो टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो एक काम करते हैं, इसको ना ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक। तो इनिशियली इनिशियल एनर्जी मींस इनिशियल टोटल एनर्जी एंड फाइनल टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल, काइनेटिक एंड स्प्रिंग, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड स्प्रिंग। मुझे कोई वैल्यू बताएगा, बोलो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब ये ब्लॉक यहां पर था इनिशियल, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर कितना था, तो यहां पर एम जी एक्स, बिल्कुल सही सही, ठीक है ना, डाउट इसमें। और याद रखना यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनली फॉर एन इंस्टेंट यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो ये लो काइनेटिक एनर्जी, बोलो इनिशियली कितनी, स्प्रिंग कितना, एक नेचुरल लेंथ पे था जब यहां पर था तो, ठीक। अब नीचे आ गया मास, तो बोलो पोटेंशियल कितनी हो गई, ग्राउंड पे आ गया, एक तरीके से ग्राउंड ये लिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी बोलो जीरो, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो है, स्प्रिंग एनर्जी बोलो हाफ के, ठीक। तो यानी कि एम जी इंटू एक्स मैक्स इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, तो ये कैंसल, तो एक्स मैक्स की वैल्यू सॉल्व करके आएगी टू एम जी डिवाइडेड बाय के। शॉर्टकट ये रहेगा इसका, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज होगी कितनी, एम जी एक्स, उतनी ही इसमें स्प्रिंग की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी हाफ के एक्स को। तो शॉर्टकट भी सीधा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक,
कोई डाउट इसमें? ठीक,